ऑफ फोर्स। चार किस्म के न्यूमेरिकल आ रहे हैं मेंस और नीट के अंदर। पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, टॉर्क के ऊपर आ रहा है, पक्का टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन आएगा। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल मोमेंट और इनर्शिया पे आता है। तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल रोलिंग मोशन पे आता है। और चौथे टाइप का न्यूमेरिकल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आता है, आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू। ये चार किस्म की प्रॉब्लम जो मैंने देखी इसके अंदर क्लासीफाई की गई है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की, तो अगर आपने एफ फोर्स लगाई और ये एक्सिस है, आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस पे एफ फोर्स लग रही है, आर डिस्टेंस पे एफ फोर्स लग रही है, तो टॉर्क की वैल्यू का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। ओपन करेंगे तो आर एफ साइन थीटा या आर एफ साइन फाई होगा। ठीक, ठीक है, तो आर एफ साइन थीटा। अगर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। तो आर और एफ में एंगल क्या होना चाहिए, 90। तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगी तभी टॉर्क इसमें मैक्सिमम है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप इसमें दूसरा शॉर्टकट देखें टॉर्क निकालने का, तो बड़ा आसान शॉर्टकट है कि जैसे मान लो कोई पी पार्ट पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ, और मेरे को टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर्स लूंगा जो भी एफ की वैल्यू है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो कि कितना है एच, तो एफ इंटू एच, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास टॉर्क आ जाएगा। ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। नेक्स्ट है, जैसे एक स्ट्रिंग है, दो रस्सी हैं और एक रॉड के साथ बांध रखी हैं, आपने स्ट्रिंग को काट दिया, तो कह रहा है कि फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ओ पॉइंट होगा, ओ में से एक्सिस पास कर रहा है, रॉड ऐसे नीचे गिरेगी, तो कितनी फोर्स नीचे गिरेगी से एम जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ पॉइंट से कितना है एल बाई टू, तो टॉर्क क्या आएगा, फोर्स एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू इसका आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है जैसे प्लैंक है और दो मासेज हैं M1 एंड M2, तो इसका वेट M1g, इसका वेट M2g, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसकी दूरी यहाँ से D1 है और इसकी D2 है, और ये इस तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, मतलब ना ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है ना ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऐसा तब होगा जब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, M1g into D1 फोर्स into परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस D1, और इसका क्या होगा M2g into परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना D2। तो अगर M1g D1 M2g D2 के इक्वल होगा तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर है यहां तक। तो टॉर्क आएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अंदर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पॉइंट्स आएंगे, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास क्या गिवन है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, एम जी वेट है इसका, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो टॉर्क क्या होगा इसका अबाउट पॉइंट ओ, फोर्स एम जी वाई एक्सिस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स में है एक्स नॉट, तो क्या आएगा एम जी इंटू एक्स नॉट, तो टॉर्क की वैल्यू एम जी इंटू एक्स नॉट होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपके पास एक रॉड है, इस रॉड को दो नाइफ से आपने टिका के रखा हुआ है ऐसे, और ये नाइफ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 फोर्स लगा रही हैं, तो इसका जो वेट है बॉडी का रॉड का वो कितना है 4g, एक एक्स्ट्रा वेट यहाँ पर टांग रखा है कितना 6g, और ये डिस्टेंसेस आपको इसमें गिवन है। आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें ये गिवन है कि रॉड रोटेशनल रॉड जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम दो किस्म के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है जब लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, और रोटेशनल और अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, बराबर हो जाते हैं। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो ऊपर की फोर्सेज N1 प्लस N2 किसके इक्वल होगा, वेट 6g प्लस 4g, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है ये इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो N1 फोर्स ने कितना टॉर्क लगाया N1 into this distance जो कि given है, N2 ने कितना torque लगाया N2 into this distance जो कि given है, 6G ने कितना torque लगाया 6G into ये distance जो कि given है, और 4G ने नहीं लगाया क्योंकि ये तो axis के ऊपर ही act करती है 4, तो ये कोई torque नहीं लगाएगी। तो इसमें clockwise torque और anti-clockwise torque equate करने हैं,
तो अगर मैं N1 की बात करता हूँ तो ये इस रॉड को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क है। N2 कैसे घुमाएगा इसे एंटी क्लॉकवाइज, और 6G भी कैसे घुमाएगा इसे एंटी क्लॉकवाइज। तो 6G का टॉर्क प्लस N2 का टॉर्क इज इक्वल टू N1 का टॉर्क, इक्वेट कर देना, एक और इक्वेशन आ जाएगी N1 N2 में। फिर साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को बैलेंस करना, आपके पास अपने आप N1 N2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बड़ी फेमस प्रॉब्लम जो लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं, लैडर की प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या तरीका है। मान लो एक लैडर है और ये इस तरीके से टिकी हुई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कितना है F है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है N1, यहाँ पर रिएक्शन क्या है N2, और लैडर का अपना वेट क्या है W, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर F। इसके अंदर अब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या है इसमें N2, डाउनवर्ड की फोर्स क्या है यहाँ पर W, लेफ्ट की फोर्स क्या है इसमें N1, और राइट की फोर्स इसमें क्या है F। तो एक तो ये इक्वेट कर देना है, लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स, ये चीजें हो गई दो इक्वेशंस। तीसरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम करने से पहले आपको एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाना है। तो वो पॉइंट या तो ये होगा या ये होगा, कोई भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश करें ये वाला पॉइंट लें, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स एड कर रही है तो इसका टॉर्क तो यहां पर जीरो होगा, और ये फोर्स इस पे एक्ट कर रही है इसका टॉर्क भी जीरो होगा। तो बची क्या, W बच गया और एक N1 बच गया। तो एक लैडर के यहां से एक लाइन खींच लें, इस लाइन के इस तरफ जो फोर्सेस हैं N1, इस तरफ जो फोर्सेस है W, तो जो N1 टॉर्क जनरेट करेगा W टॉर्क भी उतना ही जनरेट करेगा। तो यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट करेंगे, तो N1 ने कितना टॉर्क जनरेट करना है N1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2√2, तो N1 इनटू 2√2, और ऐसे W का क्या होगा, W इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितना है ये डिस्टेंस है। तो इक्वेट कर लेना, एक और इक्वेशन आएगी, इन सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास आंसर आएंगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम या टॉर्क के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगी, हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई हुई हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप स्टार्ट करो, रोटेशनल ये लो फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो क्या आंसर है। आंसर है सी, क्या किया, आर क्रॉस एफ नहीं है क्या, एफ वेक्टर है, आर वेक्टर है, आर क्रॉस एफ, क्या आंसर आ रहा है बी आ रहा है क्या, दोबारा चेक करो, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट चेक करो क्या ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये डी आ रहा है क्या, डी आ रहा है, आ रहा होगा यार मेरे ख्याल से सी ही आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी नहीं कर रही है भाई, पहली बॉल है ये तो बिल्कुल ही, इससे बेसिक नहीं हो सकता रोटेशनल आर क्रॉस एफ, अगर ये भी गलत हो गया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक बार और चांस लो, नेक्स्ट। बी आंसर, ओके, इसका आंसर है बी, आर क्रॉस एफ, अगेन आर क्रॉस एफ कर लेना आंसर। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा,
आंसर है, क्या आंसर है? ठीक है, इसका देखो इसको करना कैसे, इसको समझो। ट्राइंगुलर देखो, एफ फैक्टर तो आपको मिल ही गया, एफ फैक्टर तो आ गया। अब आपने क्या करना है, टॉर्क एट पॉइंट पी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो टॉर्क तो पी पर ही निकालना है, पर एक बार ओ को रेफरेंस मानते हो, एक बार क्यू को रेफरेंस मानते हो। जब ओ को रेफरेंस मानते हैं ना, तो समझो ये ओरिजिन है। रेफरेंस मानने का मतलब ओरिजिन है। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या बनेगा, पी पॉइंट का आर वेक्टर ये बनेगा। आर वेक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी, ये वैल्यू 10 है तो क्या निकलेगी, 5, और ये 10 है तो क्या निकलेगी, 10 इंटू साइन ऑफ कितना, 60। तो आर वन वेक्टर क्या आएगा, 5i कैप प्लस 10 sin 60 j कैप। तो आर वन वैक्टर आ गया। अब आर क्रॉस एफ कर लेना, पहला टॉर्क आ गया। फिर दूसरा आर टू वैक्टर बोलो क्या होगा, जो आर टू वैक्टर होगा, अब ये ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है ना, अब ये मान लेंगे क्यू पॉइंट। अब वेक्टर ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा ऐसे। ओरिजिन मानने का मतलब ये पॉजिटिव और ये एक्स और वाई है ना, ओरिजिन मानने का मतलब एक एक्स और एक वाई। तो इस आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये कितना है, ये 10 है, तो यहां पर ये क्या आएगा, ये डिस्टेंस तो क्लियर है ना, ये वाला, ये कितना है, 5। तो आर टू वेक्टर क्या आएगा, 5 के पीछे क्या आएगा, माइनस आई कैप, उल्टी तरफ है। और एक क्या आएगा यहां पर, ये 10 है तो ये 10 sin 60, तो यहां पर क्या आएगा, 10 sin 60 के पीछे कौन सा कैप, जे कैप। आर टू वेक्टर आ गया। अब आर टू वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, फिर से टॉर्क आएगा। आंसर सारी गेम आर वेक्टर निकालने की है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। तो आर वन वेक्टर जब निकालना है तो ओरिजिन ओ को मानना है, आर टू वेक्टर निकालना है तो ओरिजिन क्यू को मानना है, फिर आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर डिफाइन करना है, फिर आर वन क्रॉस एफ आर टू क्रॉस एफ। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक है, इसका आंसर भी है। नेक्स्ट, ये करेक्शन कर लेना, ये ना वाई है, और ये क्वेश्चन ओनली फॉर नॉन मेडिकल है, मेडिकल के लिए नहीं करना आपको। मेडिकल के बाकी क्वेश्चन कॉमन है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में ऊपर है, एक बार ट्राई करें। क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास m है और मूविंग अलोंग अ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय x एंड y, ठीक है, x और y दे दिया उसने, टाइम डिपेंडेंट है, टॉर्क निकालना है टाइम t इज इक्वल टू 0, क्या होगा ओरिजिन पे, लॉजिक बताओ क्या लगाए, टॉर्क होता क्या है, r क्रॉस f, r वेक्टर क्या होगा बोलो, r वेक्टर होगा x i कैप प्लस y ये पूरे का पूरा पीछे j कैप, फिर टाइम को अंदर क्या पुट कर देना, इक्वल टू 0, तो आर वेक्टर आ जाएगा। आर वेक्टर तो आ गया, अब आपको क्या चाहिए, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर के लिए एम इंटू ए वेक्टर, ए वेक्टर कैसे आएगा, पहले आप इसे दो बार करेंगे डिफरेंशिएट तो ए एक्स वेक्टर, इसे दो बार करेंगे डिफरेंशिएट तो ए वाई वेक्टर,
तो ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो मास से मल्टीप्लाई करके एफ वेक्टर, और फिर टाइम को फिर जीरो पुट करना है, आर क्रॉस एफ। फटाफट नॉन मेडिकल वाले 2 मिनट लगाएं और 2 मिनट से ऊपर नहीं, 120 सेकंड में फटाफट करके देख लें, मेडिकल वाले 2 मिनट वेट करें। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आर वेक्टर निकाल लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप। आर वेक्टर में एक्स की तो पूरी वैल्यू गिवन है, वाई की पूरी वैल्यू गिवन है, उसमें टाइम को जीरो पुट कर देना, आपके पास ये टर्म आ जाएगी, आर वेक्टर आ गया। फिर आपको क्या चाहिए, ए एक्स निकालने के लिए एक्स की 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो ये टर्म आएगी, और ए वाई निकालने के लिए वाई की 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो ये टर्म आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाइम को तो उठा के जीरो पुट करना है, तो इसमें जीरो पुट करो, उसमें जीरो पुट करो, तो आपके पास आई कैप आ जाएगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अब टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, ठीक पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पिछली वाला भी ठीक था, ये भी ठीक है, देखो हल्का हल्का ट्रिक यूज कर रहा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस से आज पता लग ही जाएगा कि टॉर्क की प्रॉब्लम कैसे करनी है, और प्रॉब्लम आनी आनी है टॉर्क की, ठीक है, तो प्रैक्टिस से पता लगेगा, पुराने पेपर्स करने बहुत जरूरी है इसका मतलब, ठीक है। यहां तक लो ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर क्या होगा, स्लैब इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, ध्यान से ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एफ है, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एफ है, और आंसर के अंदर भी एफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आर क्रॉस एफ तो यूज होना है। तो आपको क्या निकालना है इसमें कि F1 वेक्टर एक्ट्स अलोंग जेड एक्सिस, तो F1 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलो एफ के कैप, उसने क्या बोला z एक्सिस, तो f1 वेक्टर आ गया f k कैप। फिर क्या निकालना है,
और आर वेक्टर वो आपको दे रहा है, ये जो आर वेक्टर देख रहे हो आर वन वेक्टर, तो आर वन वेक्टर कैलकुलेट करो तो भी इतना ही आएगा, ये 3 है, ये 4 का आधा क्या है 2 है, तो लिखा हुआ है इसने 2 i कैप और 3 j कैप, कम से कम एक टॉर्क तो आ ही सकता है। तो एक टॉर्क क्या है इसमें, आर वन वेक्टर क्रॉस एफ वन वेक्टर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां पर? तो आर वन वेक्टर क्रॉस एफ वन वेक्टर क्लियर है, ये तो एक टॉर्क है, लेकिन यहां पर दो फोर्सेस इकट्ठी ऐड कर रही हैं, तो एक और टॉर्क ऐड होगा इसमें। दूसरा टॉर्क क्या होगा? दूसरा टॉर्क होगा आर टू वेक्टर, ये आर टू वेक्टर देख रहे हो, ये आर टू वेक्टर, तो आर टू वेक्टर की जगह क्या है 6 j कैप, तो आर टू वेक्टर यहां पर क्या होगा 6 j कैप। और एफ वेक्टर क्या होगा यहां पे, एफ टू वेक्टर क्या होगा यहां पे? देखो जो एफ टू वेक्टर है ना, जो एफ टू वेक्टर है वो कैसा है, एफ टू वेक्टर ऐसे है, प्लेन ऐसे ही है, इस प्लेन में ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे 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 नहीं है, ऐसे है। तो ये एफ टू वेक्टर है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक कॉम्पोनेंट होगा इस तरफ और एक होगा इस तरफ। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड एफ है तो ये 30 है, तो ये भी कितना है 30 है, तो क्या आएगा एफ इंटू साइन ऑफ 30, और ये क्या आएगा एफ इंटू कॉस ऑफ 30। तो एफ टू वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एफ इंटू कॉस ऑफ 30 के पीछे क्या लगेगा, माइनस जे कैप प्लस एफ इंटू साइन ऑफ 30, इसके पीछे क्या लगेगा प्लस के कैप, ये एफ टू वेक्टर आ गया। तो क्या करेंगे, ओ मैंने उल्टा कर दिया सॉरी, राइट कॉस होना चाहिए, ठीक है, तो कॉस है और ये साइन है, बिल्कुल ठीक है, तो ये कॉस होना चाहिए कॉस 30 और ये साइन 30, उल्टा उल्टा कर लेना, यहां पर भी ये हो जाएगा एफ इन टू कैसे, ओ फिर से यार, फिर से सॉरी, ठीक है दो गलतियां होंगी कोई बात नहीं, ये एफ टू वेक्टर है, ये एफ एफ ले लेते हैं, तो एक वेक्टर ये रहा एक ये रहा, ये 30 लेना चाहिए मुझे, राइट सही कह रहे हो, तो एफ इंटू क्या आएगा कॉस ऑफ 30 के पीछे कौन सा कैप है, माइनस जे कैप है, और एक एफ इंटू साइन ऑफ 30 के पीछे कौन सा कैप है यहां पर के कैप, अब हो जाएगा। तो आपको टोटल जो टॉर्क निकालना है वो क्या आएगा, आर वन क्रॉस एफ वन, आर टू क्रॉस एफ टू, दो क्रॉस प्रोडक्ट लगा के आंसर करके आंसर आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या यूज करने हैं इसमें, ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो ना वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, आर क्रॉस एफ तो हर बच्चे को पता ही होगा, प्रॉब्लम है कि कभी एफ के कंपोनेंट दे रहा है कभी आर के कंपोनेंट दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है, आपको प्रैक्टिस हो ही गई है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इसमें। चलो ये देख लेते हैं, कैसे सब कुछ जो दे रहा है वो आपको मास दे रहा है, वो आपको टॉर्क दे रहा है, नहीं आपको हाँ टॉर्क दे रहा है, फोर्स भी दे रहा है, डिस्टेंस आर भी दे रहा है, एंगल पूछ रहा है, टॉर्क क्या होता है आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा से वैल्यू पूछ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट
सर है 3, तो इसमें क्या गिवन है, फोर्स वेक्टर गिवन है, टॉर्क अबाउट पॉइंट का मतलब आर वेक्टर भी गिवन है, 2i कैप -3j कैप, और इज ये टॉर्क वेक्टर गिवन है, तो आपको रेशियो निकालने हैं ए और बी की, पहले ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, टॉर्क वेक्टर आपको पता है, आर वेक्टर आपको पता है, फोर्स वेक्टर आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लेके कंपेयर करें ए को ए के साथ, जे आई का कोफिशियंट आई के साथ और जे के कोफिशियंट को जे के साथ, तो ए और बी की वैल्यूज आएंगी, रेशियो निकाल लेना आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल है, टॉर्क वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है, फोर्स वेक्टर पता है, इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल के आंसर आएगा। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट सर है 20, 20 आया है भैया, 20 है भाई, 20 है, सीट निकल जाएगी हाथ से, देखो 10 और 20 में बहुत फर्क हो गया। तो फोर्स वेक्टर गिवन है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स प्लेन एंड एक्स एक्सिस, देखो ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, पहले तो ये नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है, तो लगाओ अपनी प्लेन और जो आप लगाते हो मैथ्स के, प्लेन एक्स इक्वल टू 2 का एंड एक्स एक्सिस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट दिस, तो आप इसमें पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका, आर वेक्टर निकालना, तो एक 2i कैप बनेगा और एक दूसरा बनेगा, तो दोनों को माइनस करके आर वेक्टर आएगा, फिर आर क्रॉस एफ आएगा, यहां से आंसर आएगा। तो लगाना अपना मैथ जो लगाना है, बिना मैथ्स के नहीं हो सकता, नीट वाले 2 मिनट रिलैक्स करें, नहीं आएगा आपको। अब जो क्वेश्चन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन है,
हम चलते हैं अब एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फॉर्मूलाज नहीं है तो नोट कर लेना, और आना है क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर भी। इसके बिना तो वैसे भी रोटेशनल चल नहीं सकता, सबको पता ही है। तो पहला कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि सबसे पहले एक पॉइंट मास है एम, अगर वो किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है पॉइंट मास, तो नोट कर सकते हैं पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, एम इंटू आर का स्क्वायर है। पॉइंट मास किसी भी एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो एम आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट है रिंग, अगर कोई मान लो एक्सिस रिंग के बीच में से पास कर रहा है मास एंड आर, तो आई की वैल्यू क्या होगी इसमें, एम आर का स्क्वायर। अगर मान लो आपके पास है डिस्क, डिस्क का आई एक्सिस में क्या होगा, 1/2 एम आर स्क्वायर। अगर आपके पास है सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, तो आपके पास आई की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 2/5 एम आर का स्क्वायर। अगर आपके पास है एक स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल खाली शेल है, तो आई का फॉर्मूला 2/3 एम आर का स्क्वायर, ये शेल का हो गया। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपने ये लिख लिया रॉड का, अगर कोई रॉड है और एक्सिस सेंटर से पास कर रहे हैं कुछ ऐसे, अगर थिन रॉड है, थिन रॉड का अगर एक्सिस यहां से पास हो रहा है, तो आंसर एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो हाफ एम आर स्क्वायर। एक सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस बीच में से यहां से पास कर रहा है तो एम आर स्क्वायर बाय 4 एल स्क्वायर बाय 12, m into r square by 4 l square by 12। ठीक है सर, इसके बाद है दो थ्योरम्स, थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, इसको समझ लें। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपके पास एक 2D बॉडी होनी चाहिए, और 2D बॉडी को क्या बोलते हैं, लैमिना, लैमिना। तो जैसे रिंग एक 2D बॉडी है, लैमिना, शीट एक 2D बॉडी है, डिस्क एक 2D बॉडी है, सॉलिड स्फीयर एक 2D बॉडी नहीं है, वो 3D है। तो ये लैमिना, लैमिना बेसिकली क्या है कि मान लो आपके पास एक एक्सिस यहां से जा रहा है और दूसरा एक्सिस इसके प्लेन में परपेंडिकुलर है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस ये रहा जेड, आपस में सब परपेंडिकुलर है। तो अगर दो एक्सिस एक प्लेन में और तीसरा एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है,
तो जो परपेंडिकुलर एक्सेस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सेस दोनों प्लेन के अंदर है उनके सम के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मान लो एक कोई भी लैमिना 2D बॉडी है, एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, तो एक एक्सिस ये रहा, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस प्लस दिस इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो अगर इस एक्सिस का 10 है, इस एक्सिस का 20 है, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जो एक्सिस बाहर आ रहा है उसका आई दोनों के सम के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिंग है और आपसे कहा गया एक रिंग के डायमीटर के अबाउट आप फॉर्मूला निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा। तो आपको ये पता है कि जो एक्सिस रिंग के सेंटर में से पास करता है वो एम आर स्क्वायर है, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो एक्सिस बाहर है और जो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं है ना, तो यहाँ आई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगी, आई डी 1/2 एम आर स्क्वायर। तो एक्सिस डायमीटर के अबाउट रिंग का आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर सेम प्रॉब्लम डिस्क में आ जाती है, डिस्क में डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो दो डायमीटर्स आपस में क्या है 90 डिग्री पे हैं और एक ऑब्वियसली ये जो एक्सिस है इसके अबाउट फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है, तो हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। तो यहाँ पे आई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 एम आर स्क्वायर ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? शॉर्टकट भी है, अगर रिंग का जो भी एक्सिस का आई है डायमीटर में हाफ कर दो, 10 है तो 5 कर दो, एम आर स्क्वायर है तो आधा कर दो, हाफ एम आर स्क्वायर है आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ज़्यादातर लगती नहीं है, अलग अलग लेमिना और शीट्स पे ज़्यादा लगती हैं, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ लगती है। ठीक, नेक्स्ट जो है इसी के अंदर जो नेक्स्ट है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल बहुत लगती है। तो जैसे कोई भी बॉडी का एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास में से पास करता है, सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और अगर मुझे कोई पैरेलल एक्सिस गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, तो आई की वैल्यू क्या होगी आई प्लस एम एच का स्क्वायर, आई प्लस एम एच स्क्वायर, ये आंसर है। तो जैसे आपके पास कोई एक रिंग है, आपसे कहा जाएगा एक रिंग के इस एक्सिस के अबाउट आई निकाल लें, तो रिंग के सेंटर ऑफ मास में आई की वैल्यू कितनी है एम आर स्क्वायर, ये आर है तो ये वैल्यू क्या आएगी एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 2 mr², ये लो 2 mr², ठीक है आंसर 2 mr². उसी तरीके से अगर आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का ये जो फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो थ्योरम लगाने आ रही है। अब कभी कभी ऐसा होता है वो कहेगा एक रिंग है, अगेन रिंग है, रिंग के टेंजेंट के अबाउट आई लगाओ क्या होगा। अगर ये रिंग है, रिंग का टेंजेंट ये लें या ये लें, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो प्लीज ये लेना, ऐसे वाला टेंजेंट लेना। तो ये टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल है और रिंग में फॉर्मूला क्या है हाफ एम आर स्क्वायर और ये क्या है आर, तो क्या वैल्यू आएगी हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ठीक है यहां तक। तो ये टर्म आएगी, जैसे डिस्क है वो कहेगा कि डिस्क का टेंजेंट के अबाउट निकाल दो और वो टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल है, तो अगर आपके पास एक डिस्क है तो डिस्क में क्या लगेगा ये डिस्क है, इस डिस्क का डायमीटर क्या है 1/4 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ये इसके टेंजेंट है, तो क्या बनेगा 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का काम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रॉड का, थिन रॉड का अगर एक्सिस सेंटर है तो ये फॉर्मूला है,
ये एक्सिस है, ये रॉड है, रॉड की लेंथ एल है, एक्सिस ऐसे है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 है। अगर एक्सिस टेंजेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एम एल स्क्वायर बाई 12 तो होगा ही होगा, प्लस एम इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर भी होगा, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। इसको तो याद ही कर लो, एक रॉड का जो टेंजेंट है उसके अबाउट आई का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। तो सेंटर में एम एल स्क्वायर बाई 12 है और कॉर्नर टेंजेंट में एम एल स्क्वायर बाई 3 है। ठीक है, ये वाला देखो, आपको ना रिंग गिवन होगी, रिंग में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, टेंजेंट ये वाला टेंजेंट है या ये वाला टेंजेंट है, मेंशन नहीं तो ये टेंजेंट लेना है, मेंशन है कि वो टेंजेंट जो इसके परपेंडिकुलर है फिर ये ले लेना है। तो रिंग का ये डायमीटर है, डायमीटर में फॉर्मूला क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर ऐसे। तो अगर ये रॉड है, रॉड का अगर एक्सिस थिन रॉड है, इसके बीच में से पास हो रहा है ऐसे, तो इसके अबाउट आंसर जीरो होगा, थिन रॉड है ना, तो एक्सिस अगर इसी में से पास हो रहा है तो सारा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसी के ऊपर ही है, तो आंसर इसमें जीरो मार्क करना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? अगर टेंजेंट ऐसे होता रिंग में ऐसा होता तो आंसर होता एम आर स्क्वायर, तो था ही था इसका यहां पे, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ये होता। उसने बोला कि अगर टेंजेंट ये लेना है तो क्या होगा, तो रिंग का सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर है, थ्योरम पैरेलल एक्सिस से एम आर स्क्वायर और ऐड कर दिया, और अगर टेंजेंट ऐसे होगा तो डायमीटर के पैरेलल है, तो डायमीटर में हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो मैंने ये टेंजेंट लिया था। वो डिफरेंस बता रहा हूं मैं कि अगर वो तो ये किया था एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। मैंने वही केस लिखा है जो आप कह रहे हो, कि अगर ये रिंग है, अगर रिंग का एक्सिस ये रहा तो आंसर क्या है, ठीक है, अगर एक्सिस ये है, दो एक्सिस में डिस्टेंस आर है, तो एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा ना, ये वाला तो आई तो होगा ही होगा जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, प्लस एम एच स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो आंसर 2 mr², फिर ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसका आंसर कैसे होगा, अगर आपके पास चार स्फेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, इन चार स्फेयर्स के बीच में सेंटर्स में डिस्टेंस ए ए ए एंड ए है, और हर स्फेयर का मास एम है और हर स्फेयर का रेडियस आर है, तो आपको क्या करना है, मेरा क्वेश्चन है कि इस एक्सिस के अबाउट आई निकालना है चारों स्फेयर्स का क्या होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट
इसमें क्या करेंगे, देखो इसके अंदर ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इस स्फीयर की बात करते हैं। ये जो स्फीयर है ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, 2/5 mr², क्योंकि एक्सिस के बीच में से पास करता है। ये एक्सिस भी सेम करेगा, कितना करेगा, 2/5 mr², क्योंकि एक्सिस के बीच में से पास करता है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ये जो एक्सिस है, अगर ये स्फीयर का ये एक्सिस लें तो आंसर 2/5 mr², लेकिन ये एक्सिस इसके पैरेलल है तो क्या होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से 2/5 mr² में ma² को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली इस केस में भी क्या होगा, इस एक्सिस का 2/5 mr² है और क्योंकि ये एक्सिस पैरेलल है इसके, 2/5 mr² तो होगा ही होगा, ma² भी ऐड हो जाएगा आंसर। इन सबको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? ठीक है, तो जिसका एक्सिस सेट बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो पैरेलल एक्सिस को शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन के का। सिंपल है, कोई भी बॉडी है जैसे आई रिंग का क्या होता है mr², रिंग का mr², डिस्क का क्या होगा आई 1/2 mr², सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का आई होगा 2/5 mr². ठीक है, तो अगर हम इसको पॉइंट मास माने तो पॉइंट मास मानते हुए जो रेडियस आएगा उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो हर टर्म को mk² कर लिया करो, तो यहां से m से m कैंसिल, तो यहां से k² और r² की रेशियो रिंग के लिए क्या आ गई 1, यहां से m से m कैंसिल तो k² / r² की रेशियो क्या आ गई हाफ, m से m कैंसिल तो k² / r² की रेशियो कितनी आ गई यहां पर 2/5। तो जो भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका जो कोफिशियंट होगा वो आपके पास क्या आएगा k² / r² की रेशियो देगा। इसके बेस पे इस क्वेश्चन को करना है, आंसर क्या होगा? चेक करें 176 दोनों ट्राई।
लॉजिक समझ में आ रहा है, दो आइडेंटिकल स्फीयर है, मास 2 kg है, रेडियस गिवन है, फिक्स्ड एट द एंड ऑफ लाइट रॉड, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर गिवन है 40, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू मिडिल पॉइंट, तो ऐसा केस है। तो इसके अंदर ये रॉड है थिन, इसका तो खुद का मास नहीं है, तो दो स्फीयर्स हैं। अभी अभी हमने किया कि अगर यहाँ पे ये एक्सिस लें तो 2/5 mr², पर प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्टेंस कितना है 20, तो आपको इसके अबाउट निकालना है, तो क्या करेंगे m इंटू 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, और सेम इसका रिजल्ट होएगा इंटू 2। करो जरा सॉल्व क्या आएगा, आ रहा है आंसर 176 ही आ रहा है, देख लो यार मेरे सामने है, तो 2 times कर रहा है ये, बिल्कुल ठीक है, आ रहा है आंसर, आ गया ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लेना, 176 × 10³, यहां से आंसर मार्क कर लेना। नीट में इतनी कैलकुलेशन नहीं आएगी वैसे, आप चिंता ना करें, मेथड देखें सिर्फ, आपको एम ए स्क्वायर एम आर स्क्वायर में ज्यादा आ सकता है, बाकी पता नहीं आ रही, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है वैसे तो कैलकुलेशन, टॉलरेबल है इतनी, तो इसका आंसर। कितना आ रहा है, 5, 5, 5, तो इसमें वो क्या कह रहा है, रिंग और सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन सेम है, तो mk² सेम है, इसका मतलब उनका मोमेंट इनर्शिया भी सेम है, तो रिंग का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है mr², और डिस्क का क्या होगा ½ mr² r² कर लेना, रेडियस की रेशियो निकालनी है ना, क्योंकि आपको इसमें क्या निकालना है, एक रिंग है और एक सॉलिड स्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr², तो एक रिंग का mr², सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr². तो आप ऐसे कर लेना कि रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में mk² रिंग के लिए mr² कर लेना, और स्फीयर के लिए mk² तो सेम ही रखना है, 2/5 mr² का स्क्वायर रख लेना, इन्हें इक्वेट कर लेना, r' और r की रेशियो आएगी, कंपेयर करके आंसर निकालना, कर लो डायरेक्ट निकाल दो, एक ही बात है डिवाइड कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक ठीक है। नेक्स्ट नहीं रोलिंग का है, ये रोलिंग का, ये नहीं,
रुको ये वाला, थ्री चेक करें, थ्री। तो क्या क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट डायमीटर इज गिवन। वैसे ना भी देता तो भी पता ही था 1/4 mr, चलो उसे दे दी, अच्छी बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज विल बी इक्वल टू व्हाट। तो क्या पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये क्या है, एज से टेंजेंट ले रहा है। तो याद है हमें डिस्क का ये क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3/2 mr² आंसर 3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के पूछने का तरीका ही अलग है, अदरवाइज अंदर तो कुछ भी नहीं है, सही है। तो इसके बेस पे ये समझ में आया, चेक करो। वो कह रहा है कि तीन एक्सेस हैं, तो एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तो जेड एक्सेस के अबाउट आई क्या होगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। तो ये इसके अबाउट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस। जेड एक्सेस बोर्ड के बाहर है, तो ये रॉड के लिए ये एक्सेस टेंजेंट है। तो टेंजेंट का क्या होता है, एम एस स्क्वायर बाई थ्री। इस रॉड के लिए ये एक्सेस टेंजेंट है, तो इसका भी एम एस स्क्वायर बाई थ्री एड करके आंसर 2 mr² बाई 3। ठीक, नेक्स्ट चेक करो क्या आंसर ये आ रहा है आपका, 3/2।
देखो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क एंड सर्कुलर रिंग ऑफ सेम रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ध्यान से, एक्सिस टेंजेंट ये नहीं है, टेंजेंट कह रहा है ये है। तो अगर टेंजेंट ये है तो हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के लिए क्या बनेगा, 3/2 mr2 और एम के स्क्वायर से इक्वेट करके रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा इसका। फिर ऐसे रिंग के लिए 2 mr2 एम के स्क्वायर के साथ इसका भी किया जाएगा, फिर दोनों रेडियस ऑफ गायरेशन की रेशियो आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
आंसर है इसका क्या? डी डी। तो फिगर रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट। तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², एक्स दूरी पे अगर कोई एक्सिस है तो वहाँ पैरेलल एक्सिस ही होगा। तो नीट में तो नहीं आएगा खैर ये, पर फिर भी अगर आ जाए तो वैसे मेंस वालों का ये क्वेश्चन है क्योंकि आई का प्लॉट एक्स के साथ करना है तो ऑब्वियसली ओरिजिन से तो पास होगा नहीं और एक्स स्क्वायर है ऑब्वियसली, ये तो बनेगा तो पैराबोला ही बनेगा। तो मैथ्स के लोग जानते ही हैं इसमें पैराबोला कैसा बनेगा, ओरिजिन से पास होता नहीं बनेगा, थोड़ा ऊपर बनेगा क्योंकि अगर मैं एक्स को जीरो भी करूंगा तो भी कुछ ना कुछ आई की वैल्यू तो आएगी, तो आई जीरो तो हो नहीं सकता, आई कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो रखेगा रखेगा आंसर। तो पता लग ही रहा है इसमें इसका डी आंसर है। जैसे ये देखो मैंने डीमा किया हुआ है तो I1 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड I2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर फॉर्म बाय बेंडिंग द रॉड। तो 2πr जो लेंथ होगी वो l के इक्वल होगी है ना, सर्कमफेरेंस इक्वेट करना पड़ेगा तो रेडियस आएगा। तो पहला केस तो क्लियर है I1, दूसरे केस में रिंग में क्या करेंगे l = 2πr, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आएगी, इस रेडियस को रिंग के फॉर्म में पुट करेंगे, I1 I2 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। मेथड क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है? तो आई का क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है ये लो, ये लॉजिक समझ में आया? देखो आपको इसका कोई फॉर्मूला तो पता है नहीं राइट एंगल ट्राइंगल का, आपको बताना है कि आई की वैल्यू किसकी ज़्यादा किसकी कम, देखो अंदाजे से मार्क करना पड़ेगा कि अगर आप जैसे इसके अंदर एक्सिस लेते हो, मान लो आई टू लेते हो, ये एक्सिस है, तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा इस एक्सिस के अलॉन्ग होने वाली है, दूरी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये भी गिवन है ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, तो ए बी बड़ा है इससे, ये छोटा है और ये बड़ा है तो दूरी ज्यादा है एम आर स्क्वायर से आपका आई बड़ा होके आएगा, तो बी सी के अलॉन्ग सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्या है, बी सी का तो मैक्सिमम है ही है तो आई टू की वैल्यू मैक्सिमम है, ये तो हो नहीं सकता, आई टू मैक्स ये हो सकता है, आंसर खत्म हो गया। तो पहला ऑप्शन चेक करना है, बाकी दो में तो अंदाजे से मार्क ही करना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये देखो ये समझ में आया क्या किया इसने, बीसी मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आना है ना, देख तुम तो तीनों देखोगे, मेरे को आंसर याद है ना बीसी से।
क्या प्रॉब्लम है इसकी? इसके अंदर अगर मान लो कोई एक्सेस ओ से पास करते हैं तो वो एक्सेस आई टू और आई फोर के परपेंडिकुलर है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई टू प्लस आई फोर, या फिर क्या होगी? आई वन और आई थ्री के सम, तो आई टू प्लस आई फोर आ तो गया, आंसर है ये इसमें, ठीक है ना? तो इसमें आंसर आ गया। हाँ ये देख, क्या क्वेश्चन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग जिसका मास एम और रेडियस आर है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट सेंटर एंगल थीटा, तो इसके लॉन्ग निकालना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूला होगा इसमें, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्यों लिखा पहले ये बताओ। पूरे रिंग पहले एक बात बताओ, इसका मास कितना है रिंग का? एम है, इसका मास तो m है। इसका अगर मास m है तो रिंग का डायमीटर अगर मैं लूं, इसे कंप्लीट कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ये ऐसे कर लिया, ये लो कंप्लीट रिंग हो गई। कंप्लीट रिंग के लिए ये क्या बनेगा? इसका डायमीटर। अब क्योंकि आधी रिंग का मास m है तो आधी रिंग का भी m है, तो टोटल कितना हो गया? 2m। तो डायमीटर के अबाउट क्या आएगा? हाफ 2m into r square, ये आ गया। पर वो तो हाफ रिंग का पूछ रहा है, तो इस रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर दो, m by 2 आंसर आ गया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि डायमीटर का जो भी होगा वो एंगल पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं वैसे भी, तो आधी रिंग के लिए भी एंगल पे डिपेंडेंट होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई इसमें। इसका आंसर ये क्यों हुआ? क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ये एक्सिस है, ऐसे निकालना है, ये रहा प्रॉब्लम है। हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास नीचे होगा। देखो ना, ये कोई भी डिस्क है, प्लेट है, प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ा होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे चेक करो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो लगेगी लगेगी इसमें। तो ये पॉइंट देखो क्या किया है इसने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, मान लो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ये निकालना चाहते हो, और सेंटर ऑफ मास में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है और दोनों में डिस्टेंस क्या है एक्स, तो जो भी यहाँ से आंसर आएगा सी में से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये रूल लगेगा। ये रहा, अब ये हाफ एम आर स्क्वायर कैसे आया? पहले काम करो, सेमी सर्कल का आपको कोई रूल तो आता नहीं, अब सर्कल का मान लो
अगर सेमी सर्कल का मास m है तो सर्कल का 2m है, तो इसको घुमाते हैं, सॉरी सर्कल नहीं है ये प्लेट है, डिस्क की तरह काम करेगी। तो अगर कंप्लीट डिस्क है जिसका मास 2m है तो i की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू 2m इंटू आर स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर आएगा। पर ये तो सेमी सर्कल डिस्क है तो हाफ से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। तो सी पॉइंट के अबाउट आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर है, थ्योरम ऑफ पैरेलेक्सिस क्या कहती है, हाफ एम आर स्क्वायर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा।